सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। एंड इसको वीडियो ही बोल सकते हैं, ब्लॉग नहीं बोल सकते, क्योंकि ये सारे क्यू एन ए जैसे हैं, लाइक न्यू क्यू एन ए बोल सकते हैं हम लोग। सो जैसा कि मैंने लास्ट कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाला था कि आप लोगों को कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग MBBS यहाँ पे जो भी है, क्योंकि मेरे को बहुत DMs आ रहे थे, तो 4-5 लोग ने वहाँ पे क्वेश्चन पूछा और बाकी लोग ने, सब लोग ने मेरे को DM में मैसेजेस किया। तो मोस्टली सबका क्वेश्चन था कि भाई रेंट का, फ्लैट का, हॉस्टल का, ये इससे रिलेटेड था कि सबको हॉस्टल चाहिए या फ्लैट चाहिए, हॉस्टल चाहिए या फ्लैट चाहिए। तो ये वीडियो पूरा उस पर ही है। मैं हॉस्टल के भी प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा और फ्लैट के भी प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा। मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ ये वीडियो ऐसा बनाने में, तो पता नहीं मैं ऐसा जंबल बबल वगैरह सब हो जाऊँगा, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। एंड अगर आप लोग नए हो तो पहले जाके सब्सक्राइब करो, नीचे वो लाल बटन है उस पर घंटा भी दबा देना। ये लाइन कॉपी है दूसरों की, पर फिर भी भाई दबा दो यार, ये चैनल तो ओरिजिनल है मेरा। वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ कि ये वीडियो में कितनी मेहनत लगी है। ये वीडियो अभी मैं सेकेंड टाइम शूट कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले जो शूट किया था वो पूरा लाइक वीडियो कैमरा ऑन ही नहीं था, मैं फ्रंट कैमरा नहीं बैक कैमरा से शूट करता हूँ। तो शायद किसी का कॉल आ गया रहेगा या नोटिफिकेशन आ गया रहेगी, तो कैमरा क्या बोला अपना कॉल रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी यार, दिमाग ख़राब हो गया। फिर मैं बोला अच्छा एटलीस्ट पहले से पहले प्रैक्टिस हो गई, अभी आपको अच्छे से और बता दूंगा मैं। तो पहले हॉस्टल का बता देता हूँ आपको मैं कि टोटल खर्चा कितना रहता है। 2500 USD में आपको शेयर करना पड़ता है आपके रूम, जो एक प्रॉपर सिर्फ एक रूम रहता है, ना उसमें किचन होता है, ना उसमें प्रॉपर अलग क्या बोलते हैं अपना बेडरूम होता है, ना कुछ रहता है। तो 2500 उसका, देन ऊपर से अब सिर्फ वो उसमें आप सिर्फ पूरा पैसा हॉस्टल को दे देते हो, आप उसमें आपका खर्चा नहीं निकलता। तो खर्चे के लिए मंथली आपके घर से आएगा 150-200 USD मिनिमम। यहाँ पे देखा मैं लोग 100 USD यूज़ कर लेते हैं हॉस्टल में, बट मैं बता रहा हूँ 150-200 होता ही है। तो 150 को हम लोग अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500, तो अब 1500 को तुम इसके बाद प्लस कर दो तो हो गया 4000 USD। 4000 USD तुम्हारा हॉस्टल का खर्चा है, 4000-4500 USD इतना पकड़ लो, 4500 मैक्सिमम। अब वो आपके खर्चे के ऊपर डिपेंड करता है, कोई इससे कम में भी निकाल सकता है। तो 4500 इधर आपका जा ही रहा है। और अभी वही फ्लैट का मैं बताता हूँ, पहले पूरा प्राइस का बताता हूँ, उसके बाद मैं आगे का एक्सप्लेन करूँगा। फ्लैट का ऐसा है कि फ्लैट आपको 1 BHK 2 BHK डिपेंड करता है कि कितने लोग हो। अगर आप लोग 4 लोग हो तो आपको 2 BHK से 3 BHK लेना पड़ेगा। 3 BHK तो बहुत बहुत हार्ड है मिलने के लिए, बट 2 BHK मिल जाता है। 2 BHK का प्राइस रहेगा 300-350 USD, उससे भी सस्ते में मिलते हैं, 270 से भी स्टार्ट होते हैं, 250 से भी स्टार्ट होते हैं, पर 300-350 एक मिनिमम बोलते हैं ना आपको, इतने के ही रेंज में सब फ्लैट रहते हैं। USD की बात कर रहा हूँ मैं, जेल की नहीं। तो 300-350 में अगर समझ लो हम लोग ने, तो 320 ले लो, तो 320 को 4 से डिवाइड कर लो, अगर 4 लोग रहे या 3 लोग रहे, मैं 4 से कर रहा हूँ, तो 4 लोग रहे अगर, तो उसमें आएगा आपको $80 पर पर्सन, लाइक हाँ 8 लोग $80 पर पर्सन आएगा। $80 में आप मंथली का $20 पर पर्सन ज़्यादा हो गया वो भी, बट फिर ठीक है चलो सारे बिल्स ले लेंगे $20 में। $100 आपका रहना, बिल्स सारे बिल्स मैं बता रहा हूँ, वाईफाई, लाइट बिल, गैस बिल, क्लीनिंग बिल, $20 में पर पर्सन मैक्सिमम बता रहा हूँ ये। मिनिमम मतलब कम ही आता है, इससे बहुत कम आता है, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं। तो $100 ये गिन लो, और खाने का $100 गिन लो। खाने का $100 मतलब टिफ़िन लगा है वो $90 का रहता है, एक्चुअली $90 गिन लो दो टाइम का टिफ़िन। तो $100 इसके लिए, $10 तुम हर महीने तुम्हारा ब्रेकफास्ट के लिए, लाइक जो भी तुम अंडा लेके आओगे। बात करते कि हॉस्टल लेना चाहिए कि फ्लैट लेना चाहिए। अब तुमने, मैं तुम्हें खर्चे का बता दिया कि किधर क्या खर्चा ज़्यादा होता है, किधर कम होता है। अब वैसे ही मैं ये बता देता हूँ कि स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए। देखो स्टार्टिंग में अगर हॉस्टल ले सकते हो तो ले लो, क्योंकि अगर तुम इधर किसी को जानते नहीं हो फ्लैट के लिए, मतलब कोई दोस्त नहीं है तुम्हारा, कोई किसी को तुम मतलब है ही नहीं कोई जान पहचान, तो हॉस्टल आके चुपचाप से ले लो। क्योंकि तुम लोग को सबसे पहले यहाँ का जो रेसिडेंट परमिट होता है वो तुम्हें हॉस्टल बना के देते हैं, वो हॉस्टल तुम्हारा उसके लिए एड्रेस प्रूफ देगा, उसके लिए तुम्हें वो बैंक स्टेटमेंट देगा 2000 USD का। पहला साल 2000 USD का बैंक स्टेटमेंट लगता है इधर, तो वो सब तुम्हारा हॉस्टल ही करेगा। वो चीज़ हॉस्टल में बहुत अच्छी चीज़ है, और खाना वगैरह जो भी सब बना बना के तुम्हें मिलता है इधर। बट वही फ्लैट में तुम्हें खाना बनाना पड़ेगा, तुम्हें तुम्हारा रेसिडेंट परमिट का काम करना पड़ेगा, बाकी जितना चीज़ें भी हो तुम्हें क्लीनिंग वगैरह सब तुम्हें ही करनी पड़ेगी, वो हॉस्टल में नहीं है। क्लीनिंग का पता नहीं, बट वही कपड़े धोना वगैरह हॉस्टल में खुद लोग करके देते हैं। फिर खाने का, वो लोग तीनों टाइम का खाना मिल रहा है तुम्हें, बस ये कि थोड़ा स्ट्रिक्ट है हॉस्टल, बट यहाँ पे तुम्हारा घर है, तुम जो करना है करो, बस गंदा मत करना घर। सो ये थे प्रोज और कॉन्स दोनों जगह के रहने के। वही इधर हार्डवर्क ज़्यादा है पर सस्ता है, इधर क्या बोलते हैं महंगा है पर क्या बोलते हैं अपना
काम सब काम बना बनाया मिल रहा है तुम्हें, यही दोनों चीज़ थी। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये दोनों को चूज़ कैसे करने का। अगर तुम्हारा हॉस्टल तुम्हारे कॉलेज से दूर है तो प्लीज़ मत लेना हॉस्टल। स्टार्टिंग के 6 महीने मिल रहे तो ले लो, अगर नहीं दूर है तो मत लेना, तुम्हारा ट्रैवलिंग में ही खर्चा बहुत हो जाएगा। स्टार्टिंग में आओगे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट जल्दी ये नहीं करता, सब टैक्सी ही करते स्टार्टिंग है भाई, सबके पास पैसे रहते हैं जेब में तो सब टैक्सी करते हैं और टैक्सी में पूरा पैसा खर्चा हो जाता है। बाद में फिर लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आते हैं, फिर आलस हो जाता है यार, इतना दूर से जाओ इतना दूर से आओ कॉलेज, फिर ट्रैफिक ये वो बहुत इरिटेशन हो जाता है। इसके लिए तुम लोग अगर ऐसा मिल रहा है तो पहले कॉलेज के पास एरिया में फ्लैट ले लो। लाइक मेरा यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर दूरी है कॉलेज, बट जो अभी न्यू विजन का न्यू हॉस्टल है वो बहुत दूर है, लाइक 3-4 किलोमीटर दूर है, उससे ज़्यादा ही है एक्चुअली। तो ये चीज़ माइंड में रखना। सो एंड हॉस्टल कंपलसरी है कि नहीं है भाई, पता नहीं मुझे, मैं तो हॉस्टल में था नहीं, बट अगर कंपलसरी रहेगा तो तुम्हें रहना ही पड़ेगा, वो तुम्हारा डिसीजन है। मैं तो तुम्हें बता दिया कि प्रोज एंड कॉन्स क्या, अब तुम मुझे पूछो कि भाई मैं क्या लूँ, भाई मैं कैसे बता सकता हूँ। तुम देखो तुम्हें सस्ता पड़ रहा है और हार्ड वर्क करना पड़ना है, या फिर तुम्हें क्या बोलते हैं अपना सब कुछ बना बनाया मिल रहा है और तुम्हें शेयर करना पड़ेगा रूम्स, इधर भी शेयर करना पड़ेगा इधर भी शेयर करना पड़ेगा, बट इधर के क्वालिटी रूम्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, इनके नहीं होते हैं, सिंपल सी बात है। पर इधर सब कुछ धुला धुलाया मिलेगा तो मैं इधर सब धुलना पड़ेगा, बहुत ऐसे ऐसे सारी चीज़ें हैं और कुछ है नहीं। सो अभी मैं वीडियो एडिट कर रहा था और मैं एक पॉइंट डालना भूल गया कि मैं न्यू विजन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। अगर कुछ रहेगा तो न्यू विजन से रिलेटेड तो मुझे पूछो, बाकी यूनिवर्सिटी का मुझे पता नहीं। आप देखो अगर कौन सा यूनिवर्सिटी वगैरह लेना है तो मैं तो ये बोलूँगा पहले गवर्नमेंट जाओ देन प्राइवेट पे जाओ, एंड फिर उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी, अगर कोई और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है तो फिर आप लोग पहले उनके पेज इंस्टाग्राम हैंडल्स पे जाओ और आपको कोई ना कोई फॉलोअर्स में उन मिल जाएंगे आपके सीनियर्स, उनको DM करो, वो बता देंगे आपको उनकी यूनिवर्सिटी का, जो भी तुम्हारी यूनिवर्सिटी रहेगी। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं वो यूनिवर्सिटी देखा ही नहीं ना गया, तो फिर कैसे पता रहेगा। इसके लिए कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो आप कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई कर दूंगा। कोई DM मत करो यार, कमेंट कर सकते हो तुम लोग, या कमेंट करो एंड फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पे। एंड हाँ, DM भी करते हो, मैं रिप्लाई तो सबका करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि किसी का रिप्लाई छूट जाता है मेरे से, मैं सबका रिप्लाई करता हूँ। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मैं दिन में अगर तुम मैसेज करो तो ये कि थोड़ा सफ़र करो, बहुत लोग है कि सीधा अनसेंड करके भाग जाते हैं। भाई दिखता है मैसेज आया है मेरे को, बट मैं भी काम करता रहता था यार थोड़ा घर का, तो फिर मैं सीधा रात को ही सबके रिप्लाई करता। तो एक बार रात को तुम्हें रिप्लाई मिल जाएगा, तुम लोग कभी भी मैसेज करो मुझे, तुम्हें रात को रिप्लाई मिल जाएगा। अगर नहीं मिला तो थोड़ा वेट कर लो, मैं रिप्लाई पक्का करता हूँ। एंड फॉलो करो मुझे इंस्टाग्राम पे और सब्सक्राइब करो चैनल को। क्या आज 2 वीडियो शूट कर लिया, इसके पहले अभी शूट कर लिया भी है, दोनों वीडियो आज ड्रॉप कर देता हूँ। फिर इसके बाद जा रहा हूँ भाई फूड ब्लॉग करने के लिए, अपना फूड ब्लॉग भी चालू हो रहा है, धीरे धीरे सब एक्सप्लोर करेंगे भाई। कंटेंट ही नहीं, क्या करें, खाना जा रहे हैं, मतलब ठीक है चलो उधर एक व्लॉग ही बना लेंगे, डेली व्लॉग वैसे भी आ रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो शान ब्लॉग्स को।